आई होप सो सब बढ़िया होगे एंड बढ़िया कर रहे होगे। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कुछ अच्छा, क्योंकि भाई यहाँ पर नरूटो और सासुके की कुछ हमको शायद देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा वो नहीं पता, क्योंकि नरूटो सासुके आमने सामने फाइनली काफी टाइम बाद, क्योंकि हमको काफी अच्छी अच्छी लड़ाई देखने को मिली थी इस दौरान। और अगर आपने लास्ट दो तीन वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजा आया उसमें। और चैनल पे नहीं तो मैं बता दूँ, चैनल पे हम करते हैं एनिमे रिएक्शन, तो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, सपोर्ट कर रहे हो तो थैंक यू सो मच। बाकी बढ़ते हैं वीडियो। ओके, चील भी बहस किया कि यहाँ की वाइट है, यहाँ का अलग है, कौआ काला, काए काए अलग है। और यहाँ पर नरूटो एंड सासुके आमने सामने। सासुके ये सुन भी नहीं रहा यार, उसकी बात को सुन भी नहीं रहा। क्या फिर से तुम भागने के बारे में सोच रहे हो? इसका फेस नहीं दिखाया, काफी टाइम हो गया है, लेकिन फेस में क्या ही है, हमने देखा तो है। इसकी क्यों इसे वो तू यहाँ भी आ गया भाई साहब, क्या तगड़ा लुक लग रहा है। तो तुझे उसने भेजा है ना? आवाज मुझसे जो हो सका मैंने वो सब किया, पूरी कोशिश की, पर मैं उसे विलेज से जाने से नहीं रोक पाई। मैंने सब कुछ किया, अब सिर्फ तुम ही हो जो उसे यहाँ से जाने से रोक सकते हो। नरूटो, तुम ही उसे बचा सकते हो। नरूटो, अब सब कुछ तुम पर है। थोड़ा खराब लग रहा है। नरूटो, मैं तुमसे पहली बार कोई मदद मांग रही हूँ, उसे वापस ले आओ प्लीज, सास्के को यहाँ वापस ले आओ। मैं सकुरा से पहले ही कह चुका हूँ, सब कुछ खत्म, मुझे अकेला छोड़ दो। उसको जाना ही नहीं है। क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रहे हो? ये दो है क्या इसके अंदर? ऐसा लग रहा है बोल का, लग रहा है हंस भी रहा है, मतलब डेविल टाइप का। नहीं, मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हें क्या। और हाँ, ये मेरी लाइफ है, तुम्हारी नहीं। अपना रास्ता मैं खुद बनाऊंगा, ना ही तुम और ना ही कोई और अब मेरे लिए कुछ तय करेगा। अपना रास्ता मैं खुद बनाऊंगा, तुम बस इतना जान लो नरूटो। इसे गुस्सा आ रहा है, ये लड़ने ना लग जाए यहाँ पर समझाने के बजाय। निंजा निंजा खेलने के दिन खत्म हो गए। निंजा निंजा खेलने के दिन भाई, अब नरूटो क्या करेगा यार, वो नहीं समझ रहा है भाई, बिल्कुल भी जा रहा है वो। क्या हुआ, वो परछाई नरूटो, मेरे को लगा ही था ये मार पीट ना करने लगे। अपनी जान खतरे में डाली। ओ दे दे गुस्सा दे दे दे, दे। अब सासुके ने देखो डॉज भी नहीं किया ना, उसको अटैक कर रहा है सासुके, ऐसा क्यों कर रहा है वैसे? वो तगड़ा घूसा मारा है बे, इसका हुलिया बिगाड़ दिया। तुम मेरे दोस्त हो है ना? अब इससे क्या मतलब है? अगर मैं तुम जैसे दोस्तों के बीच रह जाता तो इतना ताकतवर कभी नहीं बन पाता। अब मुझे ओरोचिमारु तक पहुंचना है बस। वो बस तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करना चाहता है अपने फायदे के लिए। शरीर का इस्तेमाल करना चाहता है अपने फायदे के लिए, या तो समझता क्यों नहीं है? अब कौन सा फायदा उठाएगा वो सासुके से? वो क्या है मतलब कि लड़कों में इंटरेस्ट है उसको? कुछ भी हो बाकी देखे, शरीर तुम्हारा होगा पर जिएगा वो। तुम्हें क्या लगता है खड़े खड़े तुम्हें अपनी जिंदगी यूं बर्बाद करते हुए मैं देखता रह जाऊंगा? नहीं, और पेल उसको, और पेल वो, ये पोजीशन कुछ अलग सी नहीं लग रही है।
ये अलग ही पोजीशन में बैठे हैं दोनों के दोनों। इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरे सपने को पूरा करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अगर फिर भी तुम मेरे रास्ते में आए तो अफसोस, मुझे तुम्हें मिटाना होगा। ये सुनो, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो जरूरत पड़ने पर मैं जोर जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। मतलब ये देखो, ये ना अगर तुम किसी और एंगल से यही चीजें सुनोगे ना, यही चीजें किसी और एंगल से, वो वाला एंगल, समझ रहे हो तो कितना अजीब लगेगा। मतलब अजीब क्या, एकदम फिट बैठेगा। अगर तुम्हें मानना है तो मान जाओ, नहीं तो आराम से प्यार से मानना है तो मान जाओ, नहीं तो मैं जोर जबरदस्ती करूंगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो लाइटली कितना ले रहा है यार सासु के। कोई जोक मार के। पिछली दफा जब हम मिले थे तब तुम हंसे थे। पिछली बार क्या कोई जोक मारा मैंने? तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं हंस रहा, मैं बस खुश हूँ। और अब भी नहीं चाहता हूँ। वही चाहता है ये भाई। तुम क्या चाहते हो उससे मुझे क्या, नारुतो? ओ वो पावर देख रहे हो, कैसे हटा रहा है वो नारुतो को। ओ तेरी वैश्या को उठा लिया एक हाथ से। ओ भाई साहब, पावर दिख रही है भाई सासुके की इससे। ओ लगा छोड़ के। भाई भाई भाई, बहुत ज्यादा तगड़ा था यार ये घूसा। भाई साहब मैं फिर से देखना चाहता हूँ भाई। नहीं, देखो इस पॉइंट पे लगा कि इसको इसने छोड़ दिया, बट वो लग रहा है उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी भाई, जिस तरीके से आवाज आई ना। हुए हुए, मतलब ऐसा लगा कि ऐसे करके छोड़ दिया कि चलो तू निकल, मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। लेकिन वहीं पे मतलब जो घुसा दिया भाई, माइंड ब्लोइंग भाई, दिमाग की ऐसी की तैसी करने वाली चीज थी तो साला। और उसकी जो अंदर घुस गया घुसा, और कर 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 आवाज भी आई यार। वो मेरे को नहीं लग रहा, हड्डियां वड्डियां तोड़ दी क्या इसकी नारुतो की। शिट मैन, ये टप्पा खा के तीन टप्पे में गिरा है भाई पानी में। ये क्या, यही पावर मिली है इसको? इतनी ताकत कहां से आई? और ताकत पाके खुश हो रहा है भाई, खुश तो होगा ही, बट बहुत तगड़ी चीज थी वो। नॉर्मल हो गया यार, क्यों? अरे साल इसकी साले की ऐसी ताकत की बात कर रहा था। ये नारुतो की ऐसी तैसी कर, नारुतो पानी से निकल गया है यहाँ पर, और क्या होने वाला है? ये कुनाई नाई फेंकने वाला है क्या उस पे? स्टार, वो बच गया। अब क्या करेगा नारुतो? मे बी अब हार जाए सासुके से। और ये इसने फेंका है दो भाई, वो बड़ी तगड़ी तरीके से फेंका भाई। हुआ क्या, ये क्या करने वाला है इससे, तार से? नो, उसको लपेट दिया, बांधने वाला है वो। भाई साहब तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
नारुतो धमकी नारुतो की। शायद तुमने सुना नहीं, मैं फ्यूचर में तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। तो अब इसका क्या कर सकते हैं भाई? मेरे हिसाब से तो छोड़ो भाई, नारुतो रोस्ट करने वाला ये। आग से जला दिया भाई नारुतो को उसने बांध के। अब क्या देख रहा है साले, आराम से उसको उसकी ऐसी तैसी कर दी नारुतो की। नो भाई कैसे, सही है भैंस, क्या और तेज मारना चाहिए था, बट हाउ बच गया नारुतो यार। ये ले एक और दे। इसे हो क्या गया है? कुछ कर ही नहीं रहा भाई, वो मार रहा है, गंदा खून निकाल रहा है मार मार के। बस इतनी ही ताकत है तुमने? उसको पावर का गुरूर हो गया, पावर का। लेकिन इतना ही दम है तो शायद उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसकी? ओह कम ऑन, अभी तक एहसास नहीं हुआ? मैंने शारिंगन तो यूज किया ही नहीं। शारिंगन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना तुम में ताकत है और ना ही चाहत। तुम अब भी बहुत कमजोर हो। जो इसको इताची ने बोला था वही डायलॉग मार रहा नारुतो पे। चाहे जितनी कोशिश कर लो मुझे हरा नहीं पाओगे। अगर मैं तुम सबसे दोस्ती ही निभाता तो। ओए फेंक दिया उसने अपनी जिंदगी में कभी भी। ओ भाई साहब, उसके जो हवा हवा में लात मारी है इसने, ये क्या फेंका? उसका बटुआ जिसमें वो टूल्स रखता है शायद वो। तो अब मैं जान चुका हूँ कि मुझ में क्या कमी थी, सिर्फ और सिर्फ नफरत और ताकत से मैं अपने भाई को पीछे छोड़ पाऊंगा। So let's go, लड़ो अब लड़ो। अब तो होश में आ गया, इसलिए अच्छी तरह समझ गया होगा कि ये मजाक नहीं है। होश में आ गया। उस दिन हमारी लड़ाई अधूरी रह गई थी, आज उसे खत्म करना ही होगा। कर दो, आज खत्म कर ही दो बैस। आज मैं तुझे दिखाऊंगा असली ताकत शारिंगन की। क्यों नहीं, मैं भी फाइनली अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। आगे बढ़ो करो, और आजमाओ अपना शारिंगन, वरना बाद में बहाने बनाओगे कि मेरे शिनोबी की तरह तुम्हें मौका नहीं मिला। सही है भाई, शैडो क्लोन जुत्सु। शुरू से जानता था कि तुम में से असली कौन है, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। लेकिन अब ये खेल खत्म हुआ। अब क्या? ओ, ओ, ओ। भाई आराम से थोड़ा यार। वो ये इसको पता नहीं जला के ही मानेगा क्या नारुतो को? इतनी तगड़ी आग निकाल रहा है ड्रैगन की तरह, सब जला दिया भाई सब। बहुत ज्यादा आग है यार। ओए पूरा जंगल जला दिया। क्या यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद गायब, क्या ऐसे होते हैं असली शिनोबी? भाई नारुतो को छुपना पड़ रहा है उससे। नो वो आ गया सामने। एक ही टीम में है, अभी तक बात पल्ले नहीं पड़ी तेरे, तो समझाने के और भी बहुत तरीके हैं। वो भाई नारुतो नहीं जीत पाएगा भाई, इससे मैं कह रहा हूँ। गंदी तरीके से मार रहा है, बस को लूं।
ये वाला बहुत गंदा मार रहा है, तो मार के घुमा दे रहा है कि क्या कर रहा है यार ये। भाई ये क्या करके मानेंगे। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ और सच्चाई भी यही है कि तुम्हें भी इस पल का बेसब्री से इंतजार था। ड्रैकुला टाइप का लग रहा है ना सासुके। पिछली बार की तरह इस बार हमें टोकने वाला कोई नहीं। तो क्या करने वाले हो? चुप करो तुम। उसके ही पॉकेट में से निकल। हमेशा के लिए बराबर हो जाएगा, तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। भाई नारुतो को तो फेंक फेंक के मार रहा है वो। चिदोरी भाई, ये अगर चिदोरी यूज करेगा तो ये भी वो यूज करेगा। कहीं के तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही। तुम्हें पिटने का अगर इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, पर तुम्हें वापस जरूर ले जाऊंगा। शैडो क्लोन जुत्सु। कह रहा है तेरे को वापस जरूर ले जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर जो हमको लास्ट में देखने को नहीं मिला था इम्पैक्ट इन दोनों का, रासेनगन और चिदोरी का, वो हमको यहाँ देखने वाले हैं। लेट्स गो। उसको घुमा के फेंक रहे भाई। कुछ तगड़ा होने वाला भाई, तगड़ा। जीतेगा कौन गाइस? हमने जो वक्त साथ में बिताया वो बेमतलब नहीं था। एक चीज मेरे लिए हमेशा इस बीच में ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है। सासुके ने खुद मुझसे वो दोस्ती वाली बात कही और अब मैं देखता हूँ उसकी बात में कितनी सच्चाई थी। भाई दोनों बढ़िया है वैसे, चिदोरी भी और वो भी। अरे यार सही में भाई, इनकी लड़ाई तो बहुत ज्यादा तगड़ी चल रही है यार। ये तुम्हें हो क्या गया है? सासुके पागल हो गया है, पावर मिल गया उसको, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है भाई साहब, वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। नारुतो तो पानी में गया, सासुके कहाँ गया? सासुके ये रहा, क्या हुआ इसका? पैस क्या? एक तो निंजा टेक्निक ऐसी है ना, पानी के ऊपर भी इतना इजी लगता है कि ये क्या? उसने मेरी चिदोरी को फुल पावर में भी काउंटर अटैक किया। तो हल्के में नारुतो वो, इसका ये बहुत ज्यादा तगड़ा है भाई। लेकिन अगर अगर उस टाइम होता तो उस टाइम तो नारुतो जीत जाता, जो पहले हमारे को देखने को मिला था ना, ये चिढ़ भी गया था साला आरामी। लेकिन अभी जब वो बराबर आ गए हैं उसकी पावर, तुम बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत। तुम आज भी एक लूजर है। और नारुतो ये आ चुका है पानी के ऊपर, बेहोश हो गया क्या ये? क्या हुआ उसको? अब क्या करने वाले हैं? तुम इसे दो बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, यही है तुम्हारी लिमिट। ओ डोंट टेल मी कि ये दूसरी बार में नारुतो को खत्म करने वाला है। ज्यादा बार यूज किया तो क्या होगा सेंसे? एक बात तो पक्की है कि ये काम नहीं करेगा, पर इतना याद रखना, अगर तुम जबरदस्ती कोई जुत्सु यूज करोगे तो पहली बात तो वो काम नहीं करेगा, और दूसरी बात तुम्हारा चक्र पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि तुम ही खत्म हो जाओ। ये ऐसा सोच क्यों रहा है? वरना कोई फायदा नहीं, हम दोनों के जुत्सु एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओ नारुतो बहुत ज्यादा उदास है। अब मुझे इस बात पर कोई शक नहीं रह गया है। तो
तुम सच में ये करना चाहते हो, है ना? तुम सच में यहां मुझे सास के मुझे अपने कुछ फास्ट जूत्सों से वार करने का मौका ढूंढना होगा और फिर इसे चिदोरी से खत्म कर दूंगा। भाई अब की बार मेरे को लग रहा है और ज्यादा तगड़ा मारने वाला है सासुके नारुतो को। तुम्हें पता है ना निंजा फाइट के बारे में क्या कहा जाता है? कहते हैं जब दो ताकतवर निंजा लड़ते हैं तो वो एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं, उनके वार ही बातचीत का जरिया बन जाते हैं। कहना क्या चाहते हो भाई? मैं कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? वो अपना भाई तुम शुरुआत से ही लूजर थे नारुतो। रो रहा है यार ये। बताओ मुझे, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ? तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? तू फायर स्टाइल फीनिक्स फ्लावर जुत्सु। वो ये नारुतो यहाँ से बच गया, बट वो इतने जल्दी उसके पास आ गया, वो जल्दी आया है। ओ भाई, ये दोनों तो एकदम पागल हुए पड़े भाई। मैं सबसे ज्यादा तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता उस दिन तुम्हारी वो बात सुनकर मैं कितना खुश हो गया था। तब पहली बार तुमने मुझे बराबर का माना था और वो मेरे लिए बहुत इज्जत की बात थी। भाई पकड़ के बैठा है नारुतो को चिदोरी के साथ। ये जानने के लिए हमें एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं। नारुतो डिफेंड भी नहीं कर रहा है। भले ही हमने ये कहा नहीं, पर सच तो ये है कि हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त तो ठीक है, अब ये तेरे हमें जो मारेगा ना उससे दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं रखी उसमें। इस बात में कोई शक नहीं, तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो। लेकिन अब तुमने मुझे खत्म करने की ठान ली है। ये अंदर ही अंदर बात कर रहे कि तुमने अभी जो कहा था उस बात में कोई सच्चाई है भी या नहीं। नारुतो भी अपने असली रूप में आ रहा है यहाँ पर। सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। ये नाइन टेल फॉक्स वाली पावर, बहुत देर हो चुकी है। नो नो नो, तेज लगेगी, पता मर भी सकता है। को बहुत सारा खून निकला है। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझसे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा? सास्के। अंदर से बहुत खराब लग रहा है यार, मतलब ये दोनों लड़ रहे हैं, बातें चल रही है, बहुत खराब लग रहा है। मतलब कि रोना सा आ रहा है, रोना सा। अब तो जाने दे भाई उसको, अब तो मार दिया भाई साहब उसके भाई साहब। तुमने आखिरी सेकंड में मेरे को अपने लेफ्ट हैंड से डाइवर्ट करके उसे रोक दिया, पर वो करके भी तुम खुद को बचा नहीं पाए। अब तुम खत्म हो चुके हो, अब ना तुम कोई हैंड साइन कर पाओगे। छेद कर दिया। अब बस क्या हो गया तेरा? दी एंड। तोड़ दी गर्दन। नो बॉय नारुतो, ये पावर ही तो जब से बाहर आनी चाहिए थी, कहां थी ये? एंड जो उसके छेद हुआ था उसका क्या हुआ? भर गया
हील हो जाता है ना वैसे जल्दी। ये रहा नरूटो असली रूप में, इस अब लड़ तू, अब लड़ भाई। अब थोड़ा खुशी हुई ना भाई साहब जाके, अब थोड़ा जाके अच्छा लगा उसको ये चीज देखने में, अब मजा आएगा ना। उस पे भी पावर बहुत है लेकिन इसके जैसा चूतियापा नहीं करता वो, है ना। भाई सासुके की फाड़ देगा ये। अब क्या हो गया ये तो, और वो भर गया कंधे पर जो घाव था वो ठीक हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा है भाई। मतलब ये पावर ऑलरेडी हमने देखी हुई है पहले भी जब आता था, बट ये कुछ अलग है। सासुके को तो मैं ले जाने नहीं दूंगा, समझ में। वो अब भी उसको बचाना चाहता है। तो मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। तोड़ दे, लेकिन तुम्हें जाने नहीं, जाने दे, चाहे मत जाने दे, तोड़ दे हड्डियां भाई, तभी तो मजा आएगा। क्या देख लिया मैंने ये भाई साहब, ये मेरे को लग रहा मतलब अभी जो सिचुएशन चल रही है ना नरूडो में, अब लग ऐसा जैसे ये एपिसोड लग रहा है कि ये सबसे तगड़ा है अभी तक, कभी रागला देख रहा हूँ ये सबसे तगड़ा है अभी, ये सबसे तगड़ा है, इसके आगे देखूंगा तो लगेगा वो सबसे तगड़ा है। भाई ये सिचुएशन चल रही है एंड अभी तक का ये सबसे तगड़ा था, मैं हर एपिसोड में बस यही बोल रहा हूँ ये तगड़ा है ये तगड़ा है। जब हर एपिसोड इतना बढ़िया होगा तो भाई मेरे को बोलना ही पड़ेगा यार, बहुत ज्यादा मजा आ गया यार देख के, बहुत ज्यादा। और इस वाले वीडियो के लिए मैंने ये बहुत सारी चीजें देख ली, इनकी फाइट के लिए बहुत सारे एपिसोड देख लिए, इनकी फाइट देखते 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 पता नहीं 5-6 एपिसोड देख लिए होंगे, आई डोंट नो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा कौन कौन से एपिसोड है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पहले तो सासुके तो चूतिया हो गया है पूरा पावर के चक्कर में, उसको नरूटो बचाना चाह रहा है लेकिन उसको आना ही नहीं है, लेकिन नरूटो को लेके जाना है, नरूटो दोस्त ही निभा रहा है एंड उसको पता है उसके ओर्जिमारू के कब मतलब बस में है एक तरीके के कह सकते हो, एंड वो कैसे बाहर आएगा या आएगा नहीं आएगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है उसके चक्कर में उस वो देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। बीच बीच में काफी इमोशन सीन भी थे इसमें एंड काफी ब्लो अप सीन भी थे, हंसी वाले सीन भी थे भाई साहब, सबसे ज्यादा था ब्लो अप वाला जो अभी हुआ है। ओए होए भाई साहब, अगर आपको और आगे मजे करने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, किस दिन किस बात की वेट कर रहे हो भाई, एंड अपने एनिमे लवर दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो एंड सपोर्ट करो चैनल को, अगर कर रहे हो तो थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।